रहमान साहब, क्या हाल चाल है आपके? अरे हाँ, क्या बोलते हो? अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक ठाक हैं आप? हाँ हेलो, बिल्कुल। हाँ, मेरी बात आ रही है आपको? मैं पूछ रहा हूँ आप ठीक ठाक हैं? हाँ ओके, मेरा सवाल आपसे नहीं, यह है कि क्यों इस्लाम बाकी सारे मजहब या बाकी सारे अकीदों से बेहतर है आपका अच्छा, सोचना? इस्लाम इस्लाम इसलिए बेहतर है कि इस्लाम सलामती है, खैर वाला है, ठीक है। और इस्लाम में फुहाशी नहीं है, जिना नहीं है, इसलिए इस्लाम बेहतर है, खैर ओके वाला है okay. इस्लाम। इस्लाम नहीं रहेगा ये तो तो फितना उत्पन्न मैं होगा। तो दावा हुआ ना कि इस्लाम जो है उसके अंदर अमन है, सलामती है, लेकिन जो एक्सपेंस है वो तो इसके अकॉर्डिंग बात कर रहे हैं। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। जितने भी डिफरेंस तो है उसको मन आप बदला दीन हूँ, मन जरूर बदला दीन करिए, हूँ, आप जो फकलू समझ इसके पाए। खिलाफ है। सुनिए, आप सुनिए, आप काउंटर भी सुनिए। मन बदला दीन हूँ, फकलू इसके खिलाफ है। मन शब्बा नबी फकलू इसके मन खिलाफ बदला है। दीन हूँ। हाँ बात सुन रहे, आखिरी इतनी इसके सारी खिलाफ बातें है। बता रहे हो। सुनो सुनो मैं सुनो, दलील दे रहा हूँ पहले आपको कि सुनो कितनी सारी ऐसी बातें हैं जो अमन के तो छोड़िए बल्कि लोगों के हकूक के सुनो भी खिलाफ। सुनो, अपना दीन बदलना बदलना, इस्लाम अगर बदल दे कोई और कुफ्र पर आ जाए तो उसका दीन जो हो जाता है वो शैतानी दीन हो जाता है। ठीक जब है, इस्लाम से हट गया तो वो दीन शैतानी दीन होगा, और जो शैतानियत करेगा तो शर्रो फसाद करेगा, और शर्रो फसाद नहीं जो करने वाले को शैतान की अगर इतबा करेगा। सुनिए पूरी दुनिया, अब्दुल रहमान भाई सुनिए, तो आजाद। सुनिए, अरे मोहतरम सुना भी करें। जो आज सपोज करें कि मैं एज अ मुस्लिम पैदा हुआ, ठीक है, मुसलमान पैदा हुआ, उसके बाद मैंने इस्लाम को छोड़ दिया और मैं जो है मुर्तद हो गया, तो लिहाजा आपके मुताबिक मैं शैतान के यानी कि इब्लीस के दीन पर आ गया। तो जो इब्लीस के दीन को फॉलो करने वाले हैं या इब्लीस की इत्तबा करने वाले हैं, उनके लिए हुक्म यह है कि वो जहन्नम में जाएंगे। तो ठीक है, जब कयामत होगी अल्लाह मुझे जहन्नम में डाल देगा, आप मुझे क्यों मारोगे? इस्लाम भाई, आप शर्रो फसाद करोगे आपके अमाल से। छोड़ना शर्रो फसाद है। शर्रो फसाद ये है कि आप इल्हाद करते हो। हाँ इस्लाम तो जो इल्हाद, जो इल्हाद कुरान का इल्हाद है जो है इस्लाम वो छोड़ना ही करते है ना। हो, सुनिए 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 इल्हाद मेरी करते बात। हो, हद से अरे जाते भाई, हो। इल्हाद, इल्हाद और इर्तिदाद, चाहे कोई इल्हाद करे चाहे इर्तिदाद करे, हाँ, लेकिन ये दोनों जो इर्तिदाद है तो इस्लाम इस्लाम से छोड़ना ही है इर्तिदाद ना। हुआ, और इल्हाद ये हुआ कि आप जो है हक नहीं के मैं साथ उनकी कह, इल्हाद मैं उनकी मैं उनके डेफिनेशन में नहीं कह रहा हूँ। मैं ये पूछ रहा हूँ कि इस्लाम छोड़ना ही हुआ ना दोनों। करते हो। हाँ तो इस्लाम छोड़ने पर अरे आप ही छोड़ डाले, स्ट्रीम इस्लाम छोड़ रहे थे, ये इस्लाम छोड़ा रहे थे इसलिए स्ट्रीम ही छोड़ के चले गए। छोड़ कहीं नहीं जाऊंगा, अब्दुल रहमान तुम्हारे साथ ही हूँ। मैं ये पूछ रहा हूँ कि भाई इस्लाम चले मैंने छोड़ दिया, मैंने इत्तेदाद को अख्तियार कर लिया, मैं शैतान के जो दीन है उस पर आ गया, लेकिन अब इसका मतलब ये है ना कि भाई अब मैंने इस्लाम को छोड़ दिया तो मुझे जो खुदा है जो सच्चे दीन का मालिक है वो मुझे जहन्नम में डाल देगा। आप मुझे क्यों कत्ल करोगे? और अगर आप मुझे कत्ल करोगे तो फिर अमन का दिन कैसे हो गया आपका दिन? अरे भाई, आप समाप्त करिए पहले जो मैं कह रहा हूँ। जब इस्लाम से आप इल्हाद करेंगे, इल्हाद होता है अदल के खिलाफ, जो हक हक है, लोगों का हक है, जिस तरह से इस्लाम ने हक दिया है तमाम तमाम अवामुन नास का, तमाम अहलो आयाल, अवाम, अशीर, मुआशरा, तमाम चीज़ों का हुकूक इस्लाम ने दिया यार है, छोटी तो बात उसके क्या कर खिलाफ यार, आप ये करते हैं बड़े लंबी तो ये बात नहीं बोल बना, रहे हैं शॉर्ट में कि बात क्या कर यार। आप उबैद रहमान इल्हाद की और बात टाइम करते वेस्ट करता है हो। भाई, बहुत बकाता है तू बहुत नहीं, बकाता मतलब है, सीधी बात पकड़ने की क्या बात रखा क्या है? है, सुनो, इल्हाद करते हो आप इस्लाम के खिलाफ, इस्लाम के खिलाफ आप एक भी बात गलत बता सकते हो? अरे बताओ, भाई, इस्लाम इस्लाम जो बराबर है वो सलामती है। सुनिए ना, मेरी बात सुनो उबैद रहमान, एक एक बात मैं निपटाता हूँ। इस्लाम जो है वो तेरे लिए सच्चा दीन है, तेरे लिए हक है भाई, तो तू मुसलमान है। मुझे हक नहीं लगा, मुझे सच नहीं लगा, मैंने छोड़ फिर दिया, मेरा और अल्लाह का मामला, तू कौन? हाँ यही बात है। देखो, जब इस्लाम से हटोगे तो आप जो है किसी की इज्जत नहीं करोगे, ये अरे होता यार, है कहाँ की इस्लाम बकवास से कर रहा है हटने यार, पर। जो इस्लाम से बकवास हटोगे ये तो कर रहा इज्जत हूँ नहीं करोगे, कि ये तुम्हारे क्या लिए बकवास, तुम क्यों नहीं बोल इज्जत रहे करूंगा सलामी मैं? दे गए, अरे सुन मेरी बात, तुम अब्दुल कहाँ रहमान इज्जत कर रहे हो जब आप मैं किसी से इस्लाम से इज्जत से हटा, बात कर रहे भाई हो? नहीं सुन ले यार, चपड़ चपड़ नहीं करते, सुना भी करते हैं दूसरे की, मैसेज क्या होता है ताकि तू सुने। इस्लाम से जब मैं हटूंगा ना तो सबसे पहले तो अपने मुल्क की इज्जत करूंगा, दूसरा अपने मुल्क वालों की इज्जत करूंगा, जो कि तू मुसलमान रहते हुए नहीं कर सकता, काफिर रहेगा, उनको उनको इज्जत के लायक नहीं समझेगा, तू नहीं करेगा, लेकिन मैं करूंगा जैसे इस्लाम छोड़ूंगा। उसके बाद मैं अपने देश के जो फौजी है, जो सैनिक है, जो सरहद पर खड़े होकर के मेरे लिए गोली खा रहे हैं, मैं उनकी इज्जत करूंगा, तू नहीं करेगा क्योंकि वो काफिर है। तो इज्जत ज्यादा करता है एक मुस्लिम, एक इर्तदाद अख्तियार करने वाला, एक मुसलमान नहीं करता सबकी इज्जत, मुसलमान सिर्फ मुसलमान की इज्जत करेगा, क्योंकि तेरे अल्लाह ने तुझको यही बताया है कि सिर्फ मुसलमान ही इज्जत अफजल है, इज्जत के लायक अफजल है, और मुसलमान ही मुसलमान का भाई है ना, तो काफिर तेरा भाई है ना, वो इज्जत के लायक है, क्योंकि वो तो नजस है, शरुल बरिया है, सुमन है, तो भाई तू नहीं करेगा इज्जत, मैं ज्यादा इज्जत करूंगा, तो इज्जत की बकवास मत कर भाई, कोई पॉइंट की बात अरे कर। भाई, अब मैं बोलता हूँ। हाँ सुनो, जो है इस्लाम जब छोड़ता है कोई भी इंसान या कोई भी
हाँ, जब कोई भी इंसान इस्लाम जब छोड़ दे, इस्लाम से हट कर चले, तो वो फितना और फसाद करता है। जानते हो, दीन वो दीन किसी दीन पे नहीं रहता है, वो शैतान के दीन पे आता है, वो शर्व फसाद करता है। अल्लाह ताला ने इसी को कुरान में सूरह बकरा के शुरू आयत में कहा है कि तुम फसाद करते हो मगर तुम छोड़ नहीं है। अरे भाई क्या इसी को कहा है, इस्लाम छोड़ दिया, क्या फितना करता है अभी? अच्छा, ये बताओ समीर साहब, ये बताओ उबैदुर, ये खाना उबैदुर, रुको, ये फौबाची, ये क्या है, ये सब फितना है? उबैदुर रुको रुको, ये सब शरारत, फितना और फसाद है कि नहीं है? अरे अरे भाई ब्रेक है कि नहीं? उबैदुर रुको जरा, रुको रुको, अभी बताते हैं। अभी देखो एक एक पॉइंट है, अभी बता रहे हैं, मैं बता रहा हूं ना, इस्लाम छोड़ के क्या फितना करते हैं। अच्छा अच्छा, अभी तो अभी रुक जाओ भाई, अभी 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 रुक जाओ, एक मिनट रुक जाओ। अच्छा अभी बस उबैदुर, अभी इसके बाद समीर साहब बात करेंगे आपसे। अच्छा मुझे कि अभी क्या समीर, मुझे जवाब लेने दो। अरे ये नहीं रुकेगा यार, इसकी गाड़ी में ब्रेक नहीं है, ब्रेक नाम चीज को जानता ही नहीं है। बोले अब आप बोले, आप इसको बैकस्टेज करके बोलना पड़ेगा, बोलिए जी। मैं ये कहना चाहता समीर साहब, पहले की शेयर कर लेते हैं कि अभी जैसे जो आपने हदीस पढ़ी, मन बदल दीनों फकतलू, तो जो भी अपना दीन छोड़े बदले उसको कत्ल कर देना चाहिए। तो जो भी अपना दीन छोड़े, इस पे जो उबैदुर अभी उबैदुर से बात हो रही है, तो उबैदुर अभी इस पे क्या कहना चाहते हो कि जो भी अपना रिलीजन छोड़े, क्या ये सब पे लागू है? जो भी अपना रिलीजन चेंज करे लागू है? जो भी में आए, जो भी मुसलमान, जो भी उबैदुर रुको, बाकी दूसरे रिलीजन वाला अपना रिलीजन छोड़ दे, वो उनका कोई दीन ही नहीं है, उनका कोई दीन नहीं है, उनका दीन कबूल ही नहीं होगा कयामत तक। चलो ठीक है ठीक है, म्यूट करो समीर साहब। ये है चीजें कि आप छोड़ के आ जाओ अपना रिलीजन, ठीक है, लेकिन इस्लाम को नहीं छोड़ सकते। कंक्लूजन ये निकला, अबू रहमान एक मिनट रुको, मेरे को मैं इसका शॉर्ट बनाऊंगा, तो डिस्टर्ब मत करना। कंक्लूजन ये निकला है यहाँ पर कि अगर आप इस्लाम को छोड़कर दूसरे मजहब को अख्तियार करते हैं या इस्लाम को छोड़कर बाहर निकल जाते हैं, तो आप एक बुरे शख्स हैं, आप फितना जो है फैला रहे हैं, फितना कायम कर रहे हैं दुनिया के अंदर, और दुनिया में आप सबसे बुरे शख्स हैं। लेकिन अगर आप दूसरे मजाहिब या दूसरे धर्म को छोड़ करके इस्लाम में आ जाते हैं, तो आप दुनिया के सबसे अच्छे शख्स हैं, आपने जीते जी दुनिया में जो है रहमत और हिदायत पा ली। एग्जैक्ट, इस्लाम रिलीजन छोड़ने की इजाजत देता है लेकिन दूसरों को, मुसलमानों को नहीं। इस्लाम में सलामती ये है कि इस्लाम सरासर खैर वाला दीन है। इस्लाम में छोड़ दिया, मेरे लिए सलामती है, छोड़ दिया, मेरे लिए सलामती है। उबैदुर रहमान आंसर, मैंने छोड़ दिया, मेरे लिए सलामती है। आप फितना करोगे? अरे भाई मैं ये कह रहा हूँ उबैदुर रहमान, अरे यार कितने की बात नहीं है, सवाल सुन, सवाल ये है, मैंने इस्लाम को छोड़ दिया और चुपचाप अपने घर में बैठ गया, ना नमाज पढ़ता हूँ, ना रोजा रखता हूँ, ना हज करता हूँ, ना दीन का कोई काम करता हूँ, लेकिन किसी को कुछ कहता भी नहीं, खामोशी के साथ अपने घर में बैठा हुआ हूँ इस्लाम छोड़ के, मेरे लिए सलामती है इस्लाम में? अरे भाई बिल्कुल सलामती होगी ना, अगर 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 आप किसी को शर व फितना नहीं करोगे तो आपके लिए सलामती है, क्यों नहीं है? मगर इस्लाम छोड़ इस्लाम छोड़ गया मतलब इस्लाम छोड़ गया, एक मिनट समझने दो, समझने दो मुझे, इस्लाम छोड़ गया, मैं अपने घर में अगर खामोशी के साथ बैठ जाऊं तो मेरे लिए सलामती है? हां सलामती, देखो इस्लाम छोड़ गया दलील के साथ साबित करो। हां मैं कर रहा हूं, रुक जाओ। अल्लाह ने कहा है जो रफीक होता है, हां अल्लाह ताला उसे आग में नहीं डालेगा। अरे भाई रफीक का मतलब अल्लाह का रफीक ना, रफीक का मतलब होता है नर्म, और अल्लाह के लिए, अल्लाह के लिए लोगों के लिए नर्म ना, मैं ईमान वाला ना, गरीब वाले का जब इस्लाम छोड़ोगे तो आप जो है आपको मेरे सवाल पे आज जलेबियां मत घुमा। ये देख यहां पर स्क्रीन देख, ये सुन्नत नसाई की हदीस नंबर 4059 है। यहां पर सिर्फ इतना कहा गया, कोई इफ बट नहीं है इसके अंदर, कोई शर्त नहीं है, सिर्फ इतना कहा है। इब्ने अब्बास है, इब्ने अब्बास रिवायत करते हैं, द मैसेंजर ऑफ अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सेड, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हूएवर चेंज हिज रिलीजन, जो अपना मजहब बदल दे उसे मार डालो। ये बताया नहीं गया कि किस कंडीशन में मारो, वो फितना करे तो मारो, वो कुछ बोले तो मारो, वो ना बोले तो मारो, ऐसा कुछ बताया नहीं गया, सिर्फ मजहब छोड़ा। अरे तो क्या कहा गया है, शर्र फितना तो कर रहे हैं जो दीन छोड़ रहे हैं, ये ताअसुब के बिना पे, सुनो सुनो, ताअसुब के बिना पे छोड़ रहे हैं, ताअसुब के बिना पे इस्लाम को छोड़ रहे हैं। अरे भाई ये देख, अरे बार ना, मैं बता रहा हूँ ना, मैं बता रहा हूँ, कहो आला हदस कर रहे हैं, सुनो आला हदस ना अय्यूब, अरे सुनोगे, आला इब्न अब्बास, सुनोगे भाई, आप भाई सुन लो बात, मन बदला दीनहु फक्तलू, जो अपना मजहब बदल दे या छोड़ दे उसे कत्ल कर दो, सही है कत्ल कर दो, कत्ल करना है पड़ेगा उसे, कत्ल करना पड़ेगा, क्यों करना पड़ेगा मैं बताता हूँ, वो शर्र फितना, अभी आप किस तरह से बोलते हो शर्र फितना करते हैं, क्यों उन्हें शर्र फितना करते हैं? जब इस्लाम छोड़ते हैं तो उनका कोई दीन ही नहीं रह जाता है, वो गुनाह के एक एक हद पे आ चुके हैं, क्यों नहीं आ चुके हैं, नहीं आ चुके हैं जो है ना, उनके लिए फहाशी कोई बड़ी बात है,
हाँ, फहाशी को छोटी बात है, जिसके वजह से पूरे के पूरे मुल्क के अंदर फितना और फसाद होता है, और तो और ये फहाशी के वजह से न जाने कितने सारे जराइम और कितने सारे फहाशी फहाशी और उरियानियत होती है। ये जो ये इतना बड़ा जाहिल आदमी है, अच्छा ये दूसरे की सुनता नहीं है, अपनी बोलता है, ब्रेक नहीं है भाई, सुन 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 सुन, अपनी बोलते बोलते पीछे किसी से बात करने लगा, वो सुन, अबे मैं तेरे से कुछ बोल रहा हूँ तो सुन ले, मुझसे बात करना है कि पड़ोसी से बात करना है, इतना जाहिल है। अच्छा समीर साहब, इससे अभी धीरे धीरे करके चलते हैं, इसको लेना अभी, इसको तो ये लेते हैं अभी, इसने ये पूछा है, देखो अब्दुल रहमान सुनना, तुमने ये बोला है कि इस्लाम छोड़ने के बाद आदमी फितना और फहाशी में मुब्तला हो जाता है, इसलिए उसको मारना जरूरी है, मैं तुमसे ये जानना चाह रहा हूँ, फितना तो चलो मुझे पता लग गया, मुझे पता है कुरान की आयत कहती है कि सबसे बड़ा फितना यह है कि तुम अल्लाह के सिवा किसी और की इबादत करो, लेकिन फहाशी क्या है, थोड़ा सा इसको कम शब्दों में छोटे से वर्ड में बता दे भाई, फहाशी किसको कहते हैं उबैदुर, और सुना भी करो बोलने के बाद, ब्रेक लाया करो अपनी गाड़ी से। हाँ भाई उबैदुर रहमान, अनम्यूट करो और बताओ फहाशी किसको कहते हैं भाई, आम भाषा में समझा दे। अरे भाई देखो समीर, मैं आपको बोल रहा हूँ, फहाशी इतनी आम अल्फाज है, फहाशी कहते हैं उरियानियत, यानी यानी जेना कर, जेना, okay. जेना और हया का लिबास उतारना, इसे फहाशी कहते हैं, समझे? Okay. अब जवाब ले लो और बोलना मत बीच में, ठीक है? मतलब ये कह रहे हो अगर किसी ने इस्लाम छोड़, फिर पीछे बात करने लगा, म्यूट कर ले और सुन मेरी बात, सुनना ताकि तू जवाब दे दो तो ना भागे, मतलब ये भाई साहब ये कह रहे हैं कि इस्लाम छोड़ने के बाद आप जिना में मुब्तला हो जाओगे, आप बेपर्दगी में मुब्तला हो जाओगे, तो ये इस्लाम में के खिलाफ है, इसलिए आपको मारना है। सपोज करो कि अगर इस्लाम छोड़ने के बाद कोई जिना नहीं करता, कोई फहाशी नहीं करता, तो तब क्या उसको छोड़ देना है उबैदुर रहमान, या तब भी मारना है? फिर आगे चलेंगे, पहले बता दूंगा, उसको तब भी मारना है कि छोड़ देना है? अरे भाई बात सुनो, अगर वो सुनो, असल में जो है ना, जिना इस्लाम छोड़कर जब वो देख रहे हो मेरे सवाल का जवाब नहीं दे रहा है, देख रहे हो ये मेरे सवाल का जवाब नहीं दे रहा है, मेरा सवाल क्या था सामने सिंपल, एक मिनट जा, मेरे चोमो एक मिनट जा, इसीलिए बोला था कि पहले मेरा सवाल सुनना था कि तू सही जवाब दे, इसने मेरा ना तो सवाल सुना ना मेरा जवाब दे रहा है, सुन भी ले जवाब दे रहा जानबूझ के, मैंने ये पूछा है उबैदुर रहमान, फिर दोहरा रहा हूँ, मेरा सवाल सुनना और जवाब देना, अगर कोई इस्लाम छोड़ने के बाद फहाशी नहीं करता, सिर्फ इस्लाम छोड़ के अपने घर में खामोशी से बैठा रहता है, उसको तब भी मारना है कि नहीं मारना? अरे भाई इस्लाम कहता है कि किसी बेगुनाह को नहीं मारना है, तो कैसी बात है, बेगुनाह को इस्लाम छोड़ने के बाद उसको कत्ल करना है कि नहीं करना, अगर वो फहाशी नहीं करता? अरे भाई इस्लाम छोड़ेगा तो वो गुनाह में मुब्तला होगा, देखो ना गुनाह, मतलब वो फहाशी करे या ना करे, इस्लाम छोड़ते ही वो गुनाहगार है, उसको कत्ल करना, राइट? अरे अरे क्यों कत्ल करेंगे, जब वो जुर्म करेगा, जराइम करेगा, जैसे तुम लोग कर रहे हो, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया, सिवाय इस्लाम छोड़ने के, उसको कत्ल करना है कि नहीं करना? अरे इस्लाम छोड़ने पे कत्ल कत करना है, इस्लाम छोड़ने पे उसे कत्ल करना है, क्योंकि इस्लाम में आया है, इस्लाम सलामती में आया है, और उसके बाद वो जराइम पे जाए। थैंक यू सो मच, तो इतनी देर से जो जलेबी बना रहा था, फहाशी, जिना, ये वो, ये सब बेकार थी, क्योंकि अगर किसी ने सिर्फ इस्लाम छोड़ा, उसको कत्ल करना है, क्योंकि सलामती से बाहर निकल गया, इस्लाम में है तो सलामती में है, इस्लाम के बाहर गया तो सलामती से बाहर गया, और जैसे ही सलामती से बाहर गया, मोमिनों की तलवार के नीचे आ गया, अब कत्ल करना है, चाहे जितना ही शरीफ इंसान हो, जितना ही अच्छा हो। अच्छा एक और चीज मैं पॉइंट रखता हूँ, फिर मैं शमी भाई को लूंगा, दावत मुतल को लूंगा, एक पॉइंट मेरा ये है कि इनके मुताबिक ये है कि अगर आपने इस्लाम छोड़ दिया और आप, क्योंकि अब फिर आप फहाशी करेंगे, इसलिए आप गलत हैं, क्योंकि आप जिना कर रहे हैं, क्योंकि आप बेपर्दगी कर रहे हैं, लेकिन इस्लाम में रहते हुए आप लौंडी बना करके जिना कर सकते हैं, ये अल्लाह को पसंद है। इस्लाम में रहते हुए आप जो अपनी गुलाम लौंडी है उसको पर्दा नहीं करने दे सकते, इवन दो आप उसकी जो पेट की नाभी है ना, नाभी जो पेट की नाप होती है, वहां से लेकर के घुटनों के ऊपर तक का हिस्सा सिर्फ वो ढक के चल सकती है, वो अपने जो है ना, वो पिस्तान मुबारक, अपनी ब्रेस्ट मुबारक जो है वो तुमको दिखा के चलेगी, अगर वो उसको ढकेगी तो तुम उसको कोड़े मारोगे, और ये फहाशी नहीं है ना, ये बेपर्दगी है, राइट? दीन मुर्तद साहब और समीम साहब ऐसा ही है। इस्लाम के नजर में फहाशी वही है कि एक औरत अगर अपनी मर्जी से कुछ कर ले, मतलब कि अगर वो अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए कुछ कर ले, वो फहाशी है, बाकी उसके साथ कोई भी जोर जबरदस्ती कर लो, उसको नंगा घुमा लीजिए, कुछ भी कर लीजिए, वो फहाशी नहीं है। फहाशी इस्लाम के नजर में सिर्फ वही है कि एक औरत अगर अपनी मर्जी से मजा ले ले, वो फहाशी है। जी तो ये इनके अपने तय किए हुए उसूल हैं जिन पर ये सारी दुनिया को गुलाम बनाना चाहते हैं, ये है इनका दोगलापन और ये है इनकी सच्चाई।